वीरता और वीर गति भारतवर्ष की नसों में रक्त बनकर दौड़ने वाली परिपाटी है। कारगिल में कैप्टन अनुज नैयर ने वही किया जो 350 साल पहले वीर तानाजी ने कोंढाणा में किया था, प्राण दे दिए पर किला बचा लिया। आज कैप्टन नैयर को उनका बलिदान याद करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के वो शब्द याद आते हैं जो उन्होंने तानाजी के लिए कहे थे, गढ़ आया पर सिंह गया, किला तो मिल गया पर शेर चला गया। अनुज ने बलिदान के लिए मां ठीक वही उम्र चुनी जो भगत सिंह ने चुनी थी, 23 बरस। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द से बिमुन रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, पीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। सरसों से भर खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है।
है दिल की आरज़ू। केसरी ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। आंखों में तिरंगा लहराए, माथे से वतन की खाक लगे, सीने पे लगे गोली तो क्या वर्दी पे कभी ना दाग लगे। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी आज मेरा बहुत बड़ा एग्जाम हो गया। जो गाने मैंने ये जो संदेशे आते हैं, आई हैड बीन अवॉइडिंग फॉर 24 ईयर्स, क्योंकि 98 में वो आई थी पिक्चर एंड अनुज 93 में गया था NDA में, तो मैंने 24 साल जिसको अवॉइड किया, आज मुझे वो एग्ज़ाम पास हो गया, मैंने सुन लिया वो गाना। तो मैं कभी नहीं सुनती थी वो गाना, और ये गाना जो ऋषि ने गाया है पूरा सुनने का सोच ही नहीं सकती कि पूरा मैं सुनूंगी, कि इतना ज़्यादा मतलब अनुज को यहाँ पर इतना ऑनर देना, आई नेवर एक्सपेक्टेड। मैम अनुज को पूरा देश ऑनर देता है, और जितना ऑनर हमारे मन में उनके लिए है हम शायद उतना कभी दे भी ना पाएं, बहुत कोशिश करके उतना दिखा भी ना पाएं। अब देखिए अनुज तो मुझे दे नहीं सकते, पर जो आप ऑनर दे रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। उसका पता नहीं कुछ ऐसे था, देखिए हम लोग उनको NDA में मिलने के लिए गए जी, एंड उस हॉल में लिस्ट लगी हुई थी मार्कियस की, और उस समय हस्बैंड थे, उन्होंने कहा यार अनुज इसमें तो एक भी नैयर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो लाइन अनुज ने कहां से पकड़ ली और वो चला गया। जब उसकी फर्स्ट पोस्टिंग थी गंगानगर, वो जा रहा था, मैं रो रही थी, तो मुझे कहता माँ अगर तेरी तरह की सभी माएँ हो जाएं तो इस देश को पाकिस्तान ले जाएगा। उस दिन मैंने रियलाइज किया, 21 साल का बच्चा, उस दिन मैंने रियलाइज किया कि एक आर्मी ऑफिसर की मदर होने के नाते मुझे रोने का भी हक नहीं है। यहाँ बैठ के मैं इतना वो कर रही हूँ, पर मुझे राइट नहीं है उसके ऑनर को लेस करने का। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती
जी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। मैम जब तक आप जैसी माएं अनुज नैयर जैसे सपूत पैदा करती रहेंगी दुनिया में कोई चाइना हो कोई पाकिस्तान हो किसी में दम नहीं है कि मेरी तरफ आंख उठा के देख सके। ये बुक है जो कैप्टन अनुज नैयर पे लिखी गई है जी, हम मैं जजेस तक भी पहुंचा दूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.